बुधवार को जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बीरपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले बीरपुर प्रखंड कार्यालय एवं आरटीपीएस काउंटर का जायजा लिया। डीएम ने आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त होने वाले आवेदनों के निष्पादन के संबंध में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही आरटीपीएस काउंटर पर नामांकन करने का भी निर्देश दिया ताकि आवेदकों को काउंटर के संबंध में समुचित सूचना प्राप्त हो सके। आरटीपीएस काउंटर पर विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने आए छात्राओं से भी उन्होंने बात किया। साथ ही पंचायत के आरटीपीएस काउंटर के संबंध में जानकारी ली। यहां प्रखंड परिसर एवं परिसर में स्थित शौचालय की गंदगी देख डीएम नाराज दिखे। उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर की साफ सफाई के साथ साथ परिसर स्थित शौचालय की भी साफ सफाई करने का निर्देश दिया। तदुपरांत डीएम बीरपुर पूर्वी पंचायत में इंडियन गैस गोदाम के बगल वाली भूमि जो प्रखंड वांचल कार्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हित का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां प्रखंड प्रमुख मीना देवी, पूर्व मुखिया सुखराम महतो, उप प्रमुख सुबोध पासवान सहित कई जनप्रतिनिधियों ने प्रस्तावित भूमि के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए मुख्य पथ के समीप भूमि अधिग्रहण करने की मांग की। लोगों ने यहां बीरपुर पश्चिम पंचायत में 100% घरों में नल जल योजना का कनेक्शन नहीं होने की शिकायत की, जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आश्वस्त किया गया। उसके बाद डीएम गेंदरपुर पंचायत के निर्माणधीन पंचायत सरकार भवन का भी जायजा लिया। उन्होंने भवन निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए 6 माह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं डीएम ने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खरमौली एवं मध्य विद्यालय गेंदरपुर का भी निरीक्षण किया। दोनों विद्यालयों में पठन पाठन कार्य एवं मध्याह्न भोजन का संचालन सुचारू रूप से पाया गया। मध्य विद्यालय गेंदरपुर में वर्ग कक्ष में पर्याप्त रोशनी नहीं रहने से डीएम ने बल्ब लगाने का निर्देश दिया। यहां मुखिया अशोक पासवान, पंसस कलावती देवी सहित कई जनप्रतिनिधियों, छात्रों एवं ग्रामीणों ने डीएम से मध्य विद्यालय गेंदरपुर को हाई स्कूल में उत्क्रमित करने की मांग की। डीएम ने बालिकाओं के हित को देखते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान कई लोगों ने डीएम से अपनी अपनी फरियादें की। चिकित्सकों की जो प्रतिनियुक्ति करनी है उसके संदर्भ में जिले वाइज पूरा रोस्टर तैयार किया जा रहा है। जितने भी हम लोगों के पीएचसी, सीएचसी, अनुमंडलीय अस्पताल हैं, एक मिनिमम संख्या के हिसाब से हम लोग डॉक्टर प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। सरकार आने वाले दिनों में अन्य डॉक्टर्स की भी नए चयन कर रही है और उसको हम लोग शुरुआत में वैसे अस्पतालों में भेजेंगे जहाँ पर संख्या कम है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इतनी प्रतिनिधि रहे कि कहीं पे भी कोई खाली न रहे और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। सर, आज आपने जो निरीक्षण किया है तो इसमें क्या खामियां मिली है और क्या निर्देश दिए गए? देखिए, आज जो निरीक्षण किया गया है उसमें जो आरटीपीएस की जो लोग शिकायत की जो सुविधाएं हैं, लोगों को ससमय जो आवेदन है उसका निष्पादन हो, इसके संदर्भ में आज मेन बात की गई। साथ ही साथ अन्य जो नल जल की जो समस्याएं हैं, जो योजनाएं पीएचडी विभाग से या पंचायती राज विभाग से ली गई हैं, उनको दुरुस्त तरीके से चलें। जो दावा पत्तियां हैं बहुत सारी, जो राशन के समस्या, अगर कोई समस्या है कुछ लोगों ने बताया, उनको हम लोगों ने देखा। यहाँ प्रखंड में आज प्रमुख और उपप्रमुख महोदय के द्वारा भी कुछ बातें बताई गई, जो लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित है, जो ट्यूबवेल्स हैं उसके संदर्भ में, तो उसमें भी जो संबंधित पदाधिकारी उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल का पानी है वो उपलब्ध हो। कुछ ट्यूबवेल जो पुराने खराब हो गए हैं उनको किस तरीके से ठीक किया जाए, इसके बारे में भी विचार करके टीम यहाँ से बेगूसराय शहर से भी आएगी और हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को वहीं से नज़दीक जो लोकल पानी मिले, किसानों को जितनी सुविधा मिले उतना अच्छा रहे।